हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जॉन ड्राइडन की एक पोयम मैक फ्लेक्नो, जिसका फुल टाइटल है मैक फ्लेक्नो और अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। ये टीएस है थॉमस शैडविल, जो कि ड्राइडन के टाइम के एक प्रोमिनेंट पोएट थे और साथ ही साथ ये ड्राइडन के राइवल भी थे। और इस पोयम में ड्राइडन शैडविल पर डायरेक्टली अटैक करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम मैक फ्लेक्नो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आर फर्स्ट पॉइंट इज मैक फ्लेक्नो एज अ सटायर। दोस्तों, इस पोयम को एक सटायर के रूप में लिखा गया था। सटायर का मतलब होता है व्यंग, उपहास या फिर किसी का मजाक उड़ाना। सटायर इज अ प्ले, नॉवल, मूवी और सम अदर लिटरेरी वर्क जिसमें ह्यूमर और एग्जैजुरेशन को यूज किया जाता है किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर किसी का मजाक उड़ाने के लिए। और इस पोयम में थॉमस शैडविल का मजाक उड़ाया गया है, उनकी पोएटिक डलनेस को सटायराइज किया गया है। सो देयरफॉर इट्स अ सटायरिकल पोयम। इस पोयम को 1678 में लिखा गया था और ये पब्लिश हुई थी 1682 में। इस दौरान रिस्टोरेशन पीरियड चल रहा था, जिसे एज ऑफ ड्राइडन या फिर एज ऑफ सटायर के नाम से भी जाना जाता है। इस पोयम में कुल 217 लाइंस हैं और इसी कारण इसे एपिक पोयम कहा जाता है। एपिक यानी कि महाकाव्य। तो जो भी बड़ी बड़ी पोयम्स होती हैं, उन्हें एपिक की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट और होमर्स द इलियड। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो आर सेकेंड पॉइंट इज मैक फ्लेक्नो एज अ मॉक एपिक पोयम। दोस्तों, मैक फ्लेक्नो एक वर्ड्स मॉक एपिक सटायर है। मॉक एपिक को हम मॉक हीरोइक के नाम से भी जानते हैं और मॉक एपिक का मतलब होता है नकली महाकाव्य। मॉक एपिक सटायर का एक फॉर्म होता है जो कि क्लासिकल एपिक पोयम्स जैसा ऊंचा हाई फाई हीरोइक स्टाइल और लैंग्वेज यूज करता है टू प्रेजेंट सम ट्रिवियल सब्जेक्ट, यानी कि छोटे मोटे तुच्छ नॉट सो ग्रेट इश्यूज को प्रेजेंट करने के लिए और मनुष्य की बेवकूफी, उसकी मूर्खता, उसकी नादानियों को सटायराइज करने के लिए ये हाई फाई हीरोइक स्टाइल और लैंग्वेज का प्रयोग करता है। और ऐसा ही कुछ हमें मैक फ्लेक्नो में देखने को मिलता है। सो द पोयम इज अ डायरेक्ट अटैक अपॉन थॉमस शैडविल। अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज द बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर्स ऑफ मैक फ्लेक्नो। अब हम समझेंगे कि इस पोयम का बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स क्या है और ये भी जानेंगे कि ड्राइडन ने ये पोयम क्यों लिखी थी। तो दोस्तों, थॉमस शैडविल और जॉन ड्राइडन एक समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स होने लगे जिससे उनके आपसी रिश्ते खराब हो गए और उनकी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये डिसएग्रीमेंट्स मेनली 3 टॉपिक्स पर थे। पहला था पॉलिटिक्स, सेकंड रिलीजन एंड थर्ड इज लिटरेचर। तो बात करते हैं पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के बारे में। दोस्तों, थॉमस शैडविल और जॉन ड्राइडन अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज रखते थे, क्योंकि ड्राइडन वॉज अ टोरी, यानी कि वो ग्रेट ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के एक मेंबर और सपोर्टर थे। वो स्टुअर्ट मोनार्की को सपोर्ट करते थे, लेकिन दूसरी तरफ शैडविल वॉज अ विग, यानी वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे जो टोरीज की अगेंस्ट एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह काम करती थी और इंग्लैंड में 18th और 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म लाने पर जोर देती थी। अगर रिलीजियस डिसएग्रीमेंट्स की बात की जाए तो जॉन ड्राइडन कैथोलिसिज्म यानी कि कैथोलिक धर्म को मानते थे, लेकिन शैडविल ने अपने प्ले में
कैथोलिक एंड एंजेलिकन प्रीस्ट को सटायराइज करके ड्राइडन को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया था और शैडविल खुद प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट करते थे, यानी कि ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। तो रिलीजियस ग्राउंड्स पर भी उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। बढ़ते हैं हमारे थॉट पॉइंट की तरफ एंड इट इज लिटरेचर। तो शैडविल और ड्राइडन के बीच अक्सर बहस होती थी कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन में से बेटर राइटर कौन है। तो ड्राइडन शेक्सपियर के फैन थे, सो ही यूज टू सपोर्ट हिम, बट शैडविल बेन जॉनसन को सपोर्ट करते थे। वो बेन जॉनसन को अपना आदर्श मानते थे और खुद को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे कि वो बेन जॉनसन की लिटरेरी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, शैडविल और ड्राइडन के बीच ये डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट हद से ज्यादा बढ़ गए जब शैडविल ने द मेडल ऑफ जॉन बेज लिखा और इसके माध्यम से ड्राइडन पर अटैक किया। ये एक कोर्स सटायर था जिसमें ड्राइडन का बहुत मजाक उड़ाया गया था। तो उसका जवाब देने के लिए जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लेक्नो लिखा, जो कि थॉमस शैडविल पर एक डायरेक्ट अटैक था और इसमें उनकी पोएटिक डलनेस का मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, भले ही थॉमस शैडविल के काफी प्लेस उनके टाइम में पॉपुलर हुए थे, लेकिन लिटरेरी क्रिटिक्स उन्हें कुछ खास अच्छा पोएट नहीं मानते, क्योंकि उनके वर्क्स में मोस्टली नॉनसेंसिकल मटेरियल होता था। जबकि ड्राइडन काफी फेमस थे अपने टाइम पर और उन्हें आज भी इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स माना जाता है। अब बात करते हैं रिचर्ड फ्लेक्नो की। तो रिचर्ड फ्लेक्नो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट और पोएट थे जिनकी राइटिंग को एंड्रयू मार्वेल द्वारा रिडिक्यूल किया गया था और ड्राइडन भी जो भी रिचर्ड फ्लेक्नो लिखते थे उसे बकवास और वर्थलेस ही मानते थे, क्योंकि वो नॉनसेंस भरी चीजें ही लिखते थे। और मैक फ्लेक्नो में ड्राइडन रिचर्ड फ्लेक्नो को द किंग ऑफ नॉनसेंस और द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ पोएटिक डलनेस के फिक्शनल रोल में कास्ट करते हैं। बेसिकली उन्हें नॉनसेंस के राजा के रूप में दिखाते हैं। अब इस पोयम में रिचर्ड फ्लेक्नो द किंगडम ऑफ नॉनसेंस के राजा होते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपना राजा का पद छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और अपने बेटे शैडविल को अपना उत्तराधिकारी बनने के लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि शैडविल भी अपने पिता रिचर्ड फ्लेक्नो की ही तरह बहुत बेवकूफ होता है। इट वॉज अ किंगडम ऑफ पोएटिक डलनेस और शैडविल इस किंगडम का राजा बनने के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसकी पोएट्री एकदम नॉनसेंसिकल होती थी। ही नेवर रोट अ सिंगल लाइन दैट मेड एनी सेंस। तो इस पोयम में ड्राइडन शैडविल को एक नॉनसेंसिकल किंगडम के राजा के बेटे के रूप में कास्ट करते हैं। शैडविल को राजा का ताज पहनाया जाता है और वो अपने पिता के बाद उस नॉनसेंसिकल किंगडम का नया राजा बन जाता है और उसका नाम अब मैक फ्लेक्नो पड़ जाता है। मैक यानी कि बेटा और फ्लेक्नो यानी कि रिचर्ड फ्लेक्नो, बेसिकली रिचर्ड फ्लेक्नो का बेटा मैक फ्लेक्नो। अब आती है बारी पॉइंट नंबर 4 की। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मैक फ्लेक्नो। दोस्तों, मैक फ्लेक्नो की दुनिया बहुत डिफरेंट है। नॉर्मली किंगडम्स में राजा के सबसे होनहार, सबसे योग्य, सबसे बहादुर बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि मैक फ्लेक्नो की दुनिया एक नॉनसेंस की दुनिया है, इसीलिए यहाँ पर राजा के सबसे बेवकूफ, सबसे मूर्ख बेटे को, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी ढंग का काम ना किया हो, जिसमें बिल्कुल दिमाग ना हो, उसे ही राजा बनाया जाता है। तो अब आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैक फ्लेक्नो को मॉक एपिक या फिर मॉक हीरोइक पोयम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस पोयम में क्लासिकल एपिक पोयम्स लाइक होमर्स द इलियड की तरह ऊंचे हाई फाई हीरोइक स्टाइल और लैंग्वेज को यूज किया गया है।
टू प्रेजेंट सम नॉट सो ग्रेट नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि पुअरली रिटर्न एंड लार्जली डिसमिसिबल पोइट्री, यानी कि बिल्कुल बकवास नॉनसेंसिकल पोइट्री को प्रेजेंट किया गया है थ्रू द यूज ऑफ ग्रैंड स्टाइल एंड लैंग्वेज। दोस्तों ये पोयम एक एपिक मास्टरपीस के टोन में शुरू होती है और ड्राइडन दिखाते हैं कि शैडविल की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मींस उसकी मुख्य विशेषता, उसका एकमात्र गुण उसकी डलनेस होती है, यानी कि उसकी लैक ऑफ सेंसिबिलिटी ही शैडविल का एकमात्र गुण है। दोस्तों नॉर्मली एपिक पोएम्स में हीरोज को एक हाई फाई ग्रैंड और इम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट में सेटन की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक उसका प्राइड यानी कि घमंड था। इसी तरह ओडिसियस काफी चतुर और शातिर होता है और स्पेंसर की पोयम द फेरी क्वीन का हीरो भी इसी तरह अपनी होलीनेस के लिए काफी प्रसिद्ध था। लेकिन ड्राइडन इस सबसे विपरीत अपने हीरो को एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक देते हैं जो कि शैडविल का एकमात्र गुण होता है। तो दोस्तों यही था मैकफ्लेक्नो का इंट्रोडक्शन और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक यू वेरी मच।